भगवान राम को लाए हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जगन्नाथ को भी लाए हैं। मुझे लग रहा है शराब के आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है। लगातार आहता को स्वीकृति मंजूरी दे रहे, शराब का रेट बढ़ा रहे। लोकसभा चुनाव कोई नेता चले भी गए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस समय लोकसभा चुनाव 11 सीटों में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ी है और आने वाला नगरी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी मजबूती के साथ लड़ेगी। बीजेपी कह रही है कि पिछली सरकार के साथ भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ, इन्वेस्टर को प्रताड़ित करने का काम किया गया, यही वजह है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपना हाथ। छत्तीसगढ़ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां 16,000 करोड़ का कर्जा लेकर छत्तीसगढ़ की योजनाओं को लागू करने का प्रयास कर रही है, और यही नहीं, अन्य योजनाओं जो कांग्रेस की सरकार में जो योजनाएं थी सीधा सीधा जनता को लाभ पहुंचती थी, उन योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया। उनके पास आय का जरिया कुछ भी नहीं, और सिर्फ उन योजनाओं को कटौती करना, बंद करना, शराब पे रेट बढ़ाना, तो सरकार के पास कोई भी नए एक जनता के लिए प्रदेश के हित में कोई भी ऐसा विजन नहीं है जो उन कंपनियों को जो छत्तीसगढ़ आने के बाद जो छत्तीसगढ़ में उनको लाभ मिल सके। इस सरकार से सरकार पर कोई भी विजन नहीं है, इसलिए पूरी आप सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात ही क्यों, आप देश की बात कर लीजिए। 10 सालों में मोदी सरकार में आप देखेंगे कितनी कंपनियां हमारे देश में बाहर से आई, बिल्कुल भी नहीं आई इन 10 सालों में। बल्कि हमारे लोग भारत छोड़ के चले गए। क्यों? वो अपने आप को देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। देश के बड़े मीडियम उद्योगपति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, या कोई ऐसा धंधा व्यवसाय वाले हो, इस सरकार में चाहे केंद्र सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, या साई सरकार की बात करें, ये दोनों सरकारों में कोई भी इन्वेस्टर सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस सरकार में कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। जगन्नाथ भगवान अब मुझे लगता है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये तो भगवान राम को लाए हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जगन्नाथ को भी लाए हैं। मुझे लग रहा है ऐसा, संबित पात्रा जी के बयान से ऐसी लग रहा है। तो मोदी जी तो भगवान से ऊपर हो गए भारतीय जनता पार्टी के लिए ना, हमारे लिए नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी लगातार शराबबंदी को लेकर सवाल उठाती हुई नजर आती थी, अब शराब दुकानों को हाईटेक किया जा रहा है, कैशलेस बनाया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार शराब के आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार आहता को स्वीकृति मंजूरी दे रहे, शराब का रेट बढ़ा रहे, नई दुकानें खोल रहे हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि शराब बंदी कब होगी? आप लोगों ने 5 साल मुंह फाड़ फाड़ के, गला फाड़ के चिल्लाए शराब बंदी को लेकर, अब आपकी सरकार है, आप प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं लगातार। हम पूछ रहे हैं कि शराब बंदी कब होगी, ये सरकार को जवाब देना चाहिए, होगी कि नहीं होगी, इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। बीजेपी ने कह रहे हैं कि जब भी देश में संकट आता है राहुल गांधी देश छोड़ के भागे। जब भी देश में संकट आया कांग्रेस ने देश को बचाने का काम किया, आजादी से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी संकट के दौर में जनता को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये शब्दों का प्रयोग अगर ना करे तो ज्यादा बेहतर है। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, सत्ता बाजार का पूर्वानुमान आया है, उसमें बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में एक छोटे कांग्रेस को जारी है, देश भर में बीजेपी की पूरी बहुमत के साथ सरकार। अभी तो पूरी तरह से, अभी तो पांचवें चरण हुए, अभी सातवें चरण हुए भी नहीं है, पूरे हुआ नहीं है, अभी सातवें चरण आने दीजिए। सभी चरणों में कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की लगातार बढ़ते बढ़ रही है। 7 चरण आने के बाद 4 जून को पूरी स्पष्ट और क्लियर हो जाएगा कि इस समय पूरी सट्टा बाजार या पूरे एग्जिट पोल पूरी तरह ध्वस्त होंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। रही छत्तीसगढ़ की बात, पहले भी हम लोगों ने कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में इस समय नया इतिहास बनने वाला है और हम
भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर आई। भाजपा का यह कहना है कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है, जब तक भाजपा के सांसद रहेंगे तब तक वो आरक्षण खत्म नहीं। कहीं ना कहीं आग लगी है तभी तो धुआं उठ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके मंत्री ही कह रहे हैं, आरएसएस के नेता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आखिर क्यों सफाई देना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, नेता को? अगर आरक्षण अगर खत्म नहीं करना है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर उनके मुख्यमंत्री को सफाई क्यों देना पड़ रहा है? आप अपने मुद्दों को लेकर जाइए ना, हम अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरी हुई है, उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है। कि इस भारतीय जनता पार्टी की इस 10 साल की सरकार में लोकतंत्र को कुचल दिया गया, संविधान को दरकिनार किया गया, निश्चित रूप से आरक्षण इस देश में खतरा है और भारतीय जनता पार्टी रहेगी, निश्चित रूप से आरक्षण खत्म करेगी, हम दावे के साथ कह रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये 400 पार का नारा लगा रही है, ये सिर्फ संविधान बदलने के लिए ही ये नारे लगा रही है। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है कि पीएमसी वर्धा में जिस तरीके से हादसे हुए हैं, जिस तरीके से मौत की घटना सामने आई, उसके बाद क्या लगता है सरकार को जांच करना चाहिए या मालवाहकों का जो वाहन है उस पर रोक लगानी चाहिए, क्या सोचते हैं? दुखद घटना है, गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, पीड़ित परिवारों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए और साथ ही किस दुख की घड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे परिवार साथ खड़ी है और सरकार से मांग भी करते हैं कि पीड़ित परिवार को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही घायलों को भी 5-5 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और घायलों को उचित उपचार मिलना चाहिए। साथ ही कि मतलब उक्त गाड़ी में इतनी की संख्या में जाना और आना को शासन प्रशासन को खबर तक नहीं है, ये सबसे बड़ी चूक है, इसमें नियंत्रण सरकार को रखना चाहिए, ये मेरी मांग है। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है कि पीएमसी स्कूल योजना के तहत देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन, कोई योजनाएं नहीं है, जो कांग्रेस सरकार की बनाई हुई योजना को वो बदलकर चलाना चाह रही है। अगर अपने पास विजन है तो नया स्कूल खोल ले, पीएम श्री का नाम रख ले, विष्णुदेव साय जी अपना नाम रख ले, अमित शाह जी का नाम रख ले, कौन उनको रोका है? लेकिन कांग्रेस की सरकार में बनाई हुई स्कूलों को उनका नाम बदलना, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है। संगठन का विस्तार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनको उपयोग करना था, उपयोग कर लिए और वो भारतीय जनता पार्टी के एक डिस्पोजल की तरह रहेंगे। कांग्रेस में कम से कम एक फ्रंट नेता के तौर पर रहते थे और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद एक डिस्पोजल ही रहेंगे। रही बात संगठन का विस्तार, अभी सभी नेता चुनाव में व्यस्त है, 4 तारीख के बाद जैसे भी समय आएगा वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद फिर संगठन के लिए आगे रणनीति बनाएंगे। निगम चुनाव के लिए अभी हम लोग तैयारियां शुरू कर दिए हैं, आने वाला समय भी निश्चित रूप से बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।